अमेरिका दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की संसद कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले पांचवें भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। अमेरिका ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में शामिल होने के भारत के दावे का किया पुरजोर समर्थन। प्रधानमंत्री ने MTCR और NSG में समर्थन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति का किया अभिवादन। रक्षा व्यापार के क्षेत्र में भी बनी सहमति। भारत और अमेरिका ने परमाणु समझौते को पूरा करने की तरफ बढ़ाया महत्वपूर्ण कदम। अमेरिका से 6 परमाणु रिएक्टर्स की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में। देश को अमेरिका से रक्षा तकनीक मिलने का रास्ता हुआ साफ। अमेरिका ने पाकिस्तान से पठानकोट आतंकी हमले के दोषियों को सजा देने को कहा। पाकिस्तान से मिल रही आतंकी चुनौती के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका ने भारत का साथ देने की जताई प्रतिबद्धता। केरल में बकाया राशि नहीं चुकाए जाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। ये FIR केरल की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दर्ज करवाई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह आर्थिक अपराध ब्यूरो के सामने हुए पेश। आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को समन जारी किया था। ये मामला उस वक्त का है जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भोपाल के एक निजी कॉलेज को लाभ पहुंचाया। बिहार सचिवालय से चारा घोटाले की कई अहम फाइलें चोरी हो गई हैं। सचिवालय में ताला तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया। चोरी हुई फाइलें बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के पटना स्थित कार्यालय में रखी हुई थी। चारा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू यादव मुख्य आरोपी हैं। मामले में उन्हें 6 साल की सजा की घोषणा भी हो चुकी है। उधर इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो चुका है। भाजपा नेता और केंद्र में मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने नीतीश सरकार पर लालू प्रसाद यादव को बचाने का आरोप लगाया है। वहीं जदयू नेता अली अनवर ने कहा है कि मामले में जांच चल रही है। इंटर टॉपर्स घोटाले में बिहार बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर लालकेश्वर प्रसाद सिंह ने दिया इस्तीफा। रिजल्ट में उनकी भूमिका पर उठे थे सवाल। इसके बाद से उन पर इस्तीफे का दबाव था। माना जा रहा है कि पुलिस अब लालकेश्वर को हिरासत में ले सकती है। पॉलिटिकल साइंस को प्रोडिकल साइंस बताने वाली आर्ट्स टॉपर रूबी रॉय और साइंस टॉपर सौरभ के घर SIT ने दिया नोटिस। दोनों घर से फरार। केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी है। इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि 9 जून से मानसून आने की उम्मीद है। हालांकि भीषण गर्मी से झुलस रहे उत्तर पश्चिम भारत में अगले कुछ दिनों तक तापमान में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक, केरल, अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण कर्नाटक और लक्षद्वीप में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने छोटा राजन और अन्य आरोपियों के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट रखने के मामले में आरोप तय किए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने फरवरी में पटियाला हाउस कोर्ट में छोटा राजन को फर्जी पासपोर्ट जारी करने के आरोप में गैंगस्टर सहित 3 पासपोर्ट अधिकारियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। मथुरा के जवाहर बाग में हुए खूनी संघर्ष के बाद हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं। फॉरेंसिक और BDS द्वारा किए गए सर्च ऑपरेशन में भारी मात्रा में विस्फोटक मिलने के दौरान लॉन्चर भी बरामद हुआ है। पुलिस ने किया मामला दर्ज। भाजपा लगातार इस मामले की जांच CBI से कराने की मांग कर रही है। UP सरकार ने दिए हैं न्यायिक जांच के आदेश। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के द्वारा राजधानी दिल्ली में हेल्थ एडिटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें देश के जाने माने योग गुरुओं ने हिस्सा लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने आज दिल्ली में नेशनल हेल्थ एडिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम कनेक्टिंग विद द यूथ है। आकाशवाणी ने आज स्थापना के 80 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वर्ष 1936 में आज के दिन इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑल इंडिया रेडियो के नाम से प्रचलित हुआ। तब से ये प्रसारण के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1956 में इसको आकाशवाणी का नाम दिया गया। ऑल इंडिया रेडियो के अलावा सामान्य रूप से भी भारत में रेडियो का विकास हो रहा है। सरकार की उदार नीति के कारण रेडियो स्टेशनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। विदेश मंत्रालय ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में मंगलवार को हुए बम धमाके की निंदा की है। इस धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन के दूसरे दौर में पहुंची।